हेलो गाइस, जय माता दी। माता रानी के 14 दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धीरे धीरे करके 4 दिन निकल गए, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जो हमने तपस्या के साथ हमने ये कार्यक्रम चालू किया नवरात्रि का, बढ़िया प्रेम पूर्वक चल रहा है और आप लोगों के ऊपर भी माता रानी कृपा बनाए रखे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग एंजॉय किया होगा। कुछ चीज़ें आपको अच्छी ना लगे तो कमेंट में बताएं, हम उसको नेक्स्ट ब्लॉग में सुधारने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। और अभी माता रानी का पाठ चल रहा है तो आप भी पाठ कीजिए। जय माता। पंडित जी देख सकते कितने लेट हुए, भाई साहब बहुत मोबाइल में पढ़ के पाठ कर रहे हैं। मेरा पाठ खत्म हो चुका है तो आप लोग देख लीजिए। दिन भर में एक बार माता रानी के नाम का पाठ कीजिए, माता रानी आप लोग के पास जरूर बनाए रखेगी। हेलो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं ब्लॉग अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है, नवरात्रि का त्यौहार भी अच्छा चल रहा है और मैं भी ये कामना करता हूँ कि आप लोगों के सब कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है। ये हमारी टीम है बतौले वाले, इनको कुछ नहीं आता, इसलिए खड़ो के बतौले करते रहते हैं बस। क्या बात है, नया कुर्ता? Yes. तो आज नया कुर्ता पहन के क्यों घूम रहे हो? आज क्योंकि मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, 2 बार आया इसलिए? आज 3 बार आया। 3 बार आया, डेली 2 बार आता है। ये है मेन आज के आनंद की जय। तो गाइस, आपने देखा माता रानी का प्रसाद बटना भी चालू हो गया है, भीड़ मच चुकी है। आरती में कोई ना हो लेकिन प्रसाद में भीड़ जरूर रहती है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। और आप लोग भी आइए एक बार माता रानी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। जय माता रानी। देख सकते हैं कितनी भीड़। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे चकाचौंध है, माता रानी के भक्तों की भीड़ लगी हुई है प्रसाद लेने के लिए। तो सभी आते जाते लोग दर्शन करते हुए जा रहे हैं, ये हमारे पंडाल की सबसे बड़ी खासियत है। गाइस, आप लोग ब्लॉग बहुत तरीके से इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ा सोचा हम लोग भी घूमा जाए, बहुत दिन हो गए तो हम लोग निकल गए। अब आप लोग ब्लॉग इन्जॉय कीजिए, माता रानी का देखिए और 9 दिन का ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करना ना कीजिए। चलिए सर, निकलते हैं।